हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा यूट्यूब के ऊपर एक ऑलरेडी एक चैनल है जिसका नाम है कोर नेटवर्क ट्रेनिंग। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये जो वीडियोस है ये है मोस्टली CCNA प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग हैं जो क्लाइंट्स हैं या तो फिर न्यू स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम ये वीडियोज़ देखते, तो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, अगर हम लोगों को इसके साथ अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के नॉलेज भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर दें तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मैं एक यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया था CCNA राउटिंग प्रैक्टिकल सीरीज़ और CCNA स्विचिंग प्रैक्टिकल सीरीज़। सो इसकी वीडियोस तो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इन फ्यूचर और भी वीडियोस आने वाले हैं। अभी तक ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन स्टिल अभी तक और भी वीडियोस आने वाले हैं। साइड बाय साइड मैं क्या करने वाला हूँ, इसी चैनल के ऊपर एक नया वाला प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा जिसके अंदर आपको CCNA का कंप्लीट टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी वो प्लस प्रैक्टिकल, ओके, मतलब जितना भी कॉन्फ्रेशन वगैरह सब कुछ आता है जो मैं प्रैक्टिकल बना रहा हूँ, वो कंबाइन रहेगा। मतलब थेरोटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब क्या होगा कि आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही सेशन में आपको सबके सब चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट द ओनली CCNA। इन फ्यूचर आपको CCNP भी आएगा, CCI भी आएगा, कोई दूसरा ट्रैक है, कोई दूसरे वेंडर के कुछ कोर्सेस है उसके बारे में भी मैं आपको इन फ्यूचर बताने वाला हूँ। ओके, वो सब चीज़ें अभी मैं रिवील नहीं करूँगा। बेसिकली अभी मैं फोकस कर रहा हूँ CCNA के ऊपर। सो CCNA का मैं एक नया वाला प्लेलिस्ट बना के उसमें थेरोटिकल और प्रैक्टिकल, सो ये जिनको CCNA नहीं पता है जिनको पता है सबके लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, तो बेसिकली मेरा जो चैनल है उसका नाम है कोर नेटवर्क ट्रेनिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद में एक बेल आइकन होगा उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, तो जब भी मैं नया वाला वीडियो अपलोड करूँगा ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। सो बेसिकली इन 2010-11 मैं तभी से सिस्को लाइन में हूँ, सिस्को के डिवाइसेस के ऊपर वर्क करता हूँ। जब मैंने CCNA किया था उस टाइम पे एग्ज़ाम मॉड्यूल था 64802, ओके, ये बुक मॉड्यूल था। मैंने जो एग्ज़ाम उस टाइम दिया था वो था 64802। उसके बाद कुछ टाइम के बाद अपग्रेडेड वर्जन आया, वो था 200 120। अभी और अपग्रेडेड वर्जन आ गया, वो है CCNA का 200 125। CCNA काफ़ी अच्छा कोर्स है अगर किसी को नेटवर्क लाइन में अपना करियर बूस्ट करना है, अगर किसी को सर्टिफिकेशन के थ्रू अपने जॉब को एनहांस करना है, अच्छी पोजीशन पे जाना है। सो CCNA इज़ लाइक वेरी गुड प्लेटफॉर्म। सो आप मेरे वीडियो के थ्रू इसमें कंप्लीट नॉलेज ले सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे CCNA का एंड टू एंड बताने वाला हूँ, थेरोटिकल प्लस प्रैक्टिकल। ओके, सो बेसिकली जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए भी CCNA, ओके, मतलब फ्रेशर लोग भी CCNA कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सो CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये कोर्स का नाम है। काफ़ी अच्छा कोर्स है, मैं आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर उसके बारे में बताऊंगा, एक स्मॉल बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, और धीरे धीरे कोर्स की तरफ मूव करके आपको जितने भी राउटिंग पॉलिसीज प्रोटोकॉल्स ईच एंड एवरीथिंग मैं उसमें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले जो हम लोग बुक कोड पढ़ने वाले हैं वो है 200 125, जो कि लेटेस्ट बुक कोड है। एसोसिएट सर्टिफिकेशन CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, ये खुद ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन है। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 90 मिनट्स का, जिसके अंदर आपको 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो इसका जो पासिंग रेशियो होता है 82.5% पासिंग होता है, उस आपको उतना स्कोर करना पड़ता है अगर आपको पास होना है तो। अवेलेबल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड जापानीज लैंग्वेज में, और इसका जो ऑथराइज सेंटर्स है पियर्सन, इसके ऊपर ही इस पर्टिकुलर ऑथराइज सेंटर के ऊपर ही जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, इसका कोई भी ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं दे सकते, ऑथराइज इंस्टीट्यूट में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है 200 125, लेकिन इसके अगर मैं प्रीवियस के बारे में बात करता हूँ तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम में ICND 1 एंड ICND 2 इस तरीके से भी मॉड्यूल का डिवाइड किया गया था। हालांकि आप या तो ये पढ़ लो या तो वो पढ़ लो, दोनों के दोनों सेम ही है, लेकिन मैं ये मोस्टली 200 125 कवर करने वाला, जिसके अंदर आपको सभी चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाउनलोड द कंप्लीट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन PDF फॉर्मेट, आप इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली हम लोग जो सेशन में टॉपिक्स कवर करने वाले, सो टोटल 7
टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले। ओहो, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो कोई नहीं। ओके, नेटवर्क फंडामेंटल्स, लैन स्विचिंग टेक्नोलॉजीज, राउटिंग टेक्नोलॉजीज, वैन टेक्नोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ओके, इतने सारे टॉपिक्स से हम लोग वो कवर करने वाले। जैसे कि मैं फर्स्ट वाला टॉपिक ओपन करता हूँ, नेटवर्क फंडामेंटल्स। सो नेटवर्क फंडामेंटल्स में एग्जैक्टली आपको क्या क्या पता चलेगा? नेटवर्क फंडामेंटल्स में आपको पता चलेगा कि OSI क्या है, TCP/IP मॉड्यूल्स क्या है, उसके बाद IP क्या होता है, उसके अंदर कितने टाइप के वर्जन होते हैं, किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट किस तरीके से होता है, IPv6 क्या होता है, हम लोग उसको किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें मेंशन नहीं किया है, जैसे कि हम लोगों को डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो हम लोग अगर हम लोग नेटवर्क लाइन में आ रहे हैं तो डेफिनेटली बात ऑब्वियसली बात है कि हमें डिवाइसेस पता होना चाहिए। ओके, सो नेटवर्क लाइन में जो भी डिवाइसेस होते हैं, राउटर, स्विचेस, हब, फायरवॉल, IP फोन, WLC, ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी डिवाइसेस। ओके, सो उसके बारे में एक स्मॉल स्मॉल बेसिक डिटेल्स आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो हम लोग जंप करते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में गया हूँ, यहाँ पे हाइड डिटेल्स कर देता हूँ, फिर से हाइड हो जाएगा। अभी सेकंड देखता हूँ, स्विचिंग टेक्नोलॉजी। स्विचिंग टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी मैंने काफ़ी सारी कंपनीज के साथ वर्क किया है, अगर किसी को बेसिक लैन सेगमेंट भी तैयार करना है, बेसिक लैन नेटवर्क भी क्रिएट करना है, तो उसको स्विचिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्विचिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि मैक किस तरीके से बाइंड करते हैं, मैक किस तरीके से बाइंड करते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं, उसके बाद फिल्टरिंग किस तरीके से होता है, VLAN कैसे किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ट्रंकिंग किस तरीके से, VTP प्रूनिंग, बहुत सारी चीज़ें लाइक वर्जन 1 वर्जन 2 क्या है, क्या डिफरेंसेस है, इसके अंदर STP क्या है, कॉमन STP, मल्टीपल STP, सो बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग स्विचिंग के अंदर सीखने वाले हैं। ओके, थर्ड थिंग इज़ अबाउट द राउटिंग। राउटिंग के अंदर भी हम जैसे कि मेरे कोर्स का नाम ही है, मेरे कोर्स का नहीं, सिस्को के कोर्स का नाम है CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, जो कि हम लोग मॉड्यूल पढ़ने वाले। CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग जैसे नाम उन्होंने लिया है तो आप हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि राउटर एंड स्विचेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा स्विचिंग, तो स्विचिंग में हमें स्विचेस के बारे में इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। अभी मैं राउटिंग की बात करता हूँ, सो राउटिंग में मुझे पता चलेगा राउटर्स के बारे में डेफिनेटली इंफॉर्मेशन लेंगे, राउटर कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके के होते हैं राउटर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। सीरीज़ क्या होता है राउटर का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद राउटर के ऊपर हम लोग किस तरीके के प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो इस तरीके से हम लोग डिटेल में जा जाके हम लोग राउटर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेंगे। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया है, मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाने वाला हूँ, जो मेरे कोर्स कंटेंट आएगा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाले, आप इसमें देख सकते हैं, काफ़ी इजीली बनाने वाला हूँ। मतलब लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको शायद जो नए हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत जाएगा पढ़ने के लिए, बट मैं इसको काफ़ी आसान बनाने वाला हूँ, तो इतना कुछ टेंशन मत लो, काफ़ी आसानी से आपका ये ट्रेनिंग कम्प्लीट होने वाला है। फोर्थ थिंग इज़ अ वैन टेक्नोलॉजीज। वैन टेक्नोलॉजीज मतलब वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर दो टाइप्स के प्रोटोकॉल्स आते हैं, एक HDLC एंड PPP। सो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। PPP के अंदर भी दो प्रोटोकॉल आते हैं, PPP के अंदर आता है PAP एंड द चैप प्रोटोकॉल। ओके, तो उसके बारे में डिटेल, कॉन्फ़िगरेशन, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग वैन प्रोटोकॉल में देखने वाले हैं। ओके, इसके पहले मैं एक फ्रेम रिले करके कंसेप्ट आता था, लेकिन मैं वो कवर कराऊंगा, लेकिन एक बेसिक तौर पे कवर कराऊंगा, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मार्केट में इतना यूज़ नहीं होता है वो। नेक्स्ट थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आपको बताऊंगा कि DHCP किस तरीके से कॉन्फिगर किया जाता है, पूल किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, अगर कुछ IP एड्रेस को एक्सक्लूड करना है। सी कैसा होता है कि जो अभी जो मेरा सेशन जो लोग सुन रहे हैं, शायद उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि DHCP क्या है, राउटिंग क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है। ठीक है, लाइक मैं जस्ट कंटेंट्स बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेशन में क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है। ओके, जैसे जैसे आप मेरे सेशन देखोगे, एक 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 करके आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। सो उसके लिए इतना वरी मत करो, कि इतना टेंशन मत लो कि यार ये क्या है, DHCP कभी सुना ही नहीं मैंने। तो इतना टेंशन मत लो, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे, आप डेली वीडियोज़ देखो, मैं बता रहा हूँ, लाइक अगर मैं जितने भी वीडियोज़ बनाता हूँ, अगर आप 1 या 2 दिन में देखते हो और उसके ऊपर कुछ क्वेरीज आते हैं, आप कमेंट सेशन में लिख सकते हो, तो मैं डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूँगा। जिस दिन मेरा पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी CCNA का टॉपिक से कवर हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसके 1 आध हफ्ते बाद आपका भी उतना सेशन कम्प्लीट हो जाएगा, उतना नॉलेज आपको आ जाएगा।
ओके बट लाइक एक डेडिकेशन के साथ पढ़ो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, TFTP, DNS, सीच एंड एवरीथिंग। ओके पैटिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, नेटिंग के भी बारे में इंफॉर्मेशन है। सो हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मिलेगी, थेरोटिकल प्लस प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी लाइक अगर जैसे कि हम लोगों को नेटवर्क खड़ा करना आ गया लेकिन हम लोगों को उसको सिक्योरिटी देना नहीं आता है तो नेटवर्क का कोई भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें सिक्योरिटी आता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर नहीं आता है तो हमें यह सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बिकॉज कोई भी नेटवर्क हम लोग ओपनली नहीं छोड़ सकते, उसके ऊपर आप जब तक हम लोग सिक्योरिटी नहीं लगाते। ठीक है, तो सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिक्योरिटी में भी काफ़ी सारे टाइप्स के सिक्योरिटी होते हैं। तो CCNA में बेसिक सिक्योरिटी कवर किया है लाइक एक्सेस लिस्ट वगैरह, तो DSCP स्नूपिंग वगैरह दिया है यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले। एक्सेस लिस्ट में हम लोग स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड दो टाइप की एक्सेस लिस्ट है, नेम एक्सेस लिस्ट है। ये मोस्टली इसमें मैं अभी नए वाले कोर्स में देख रहा हूँ, कुछ लाइक प्रोफेशनल लेवल लाइक जो CCNP लेवल है उसके भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर किया है। तो लाइक ये आपके लिए एक एडवांटेज हो गया, मतलब कुछ चीज़ें हम लोगों को CCNP में पढ़ना है तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे भी अच्छा लग रहा है नया वाला कोर्स कंटेंट, तो सिखाने में भी मज़ा आएगा। ओके इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। और लास्ट में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि SNMP क्या होता है, उसको किस तरीके से इनेबल करते हैं, राउटर के ऊपर लॉक्स किस तरीके से चेक करते हैं, लाइसेंसिंग का सिस्टम क्या होता है, जो IOS होता है वो लाइसेंसिंग किस तरीके से होता है, उसके बाद सिस्को का जो IOS होता है राउटर्स होता है उसको अपग्रेड करना, रिकवरी करना, बैकअप करना, किस तरीके से मॉनिटर करना, पर्टिकुलर लॉक्स को पढ़ना, इवेंट्स को जनरेट करना, ये सब चीज़ें हमें पता चलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट।